हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। समय कम है और दिन बुरे हैं। शैतान अपना तीर बहुत जोरों से चला रहा है और यीशु का आना निकट है। यीशु ने भी कहा है था, तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी में आ जाऊंगा, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र पर भी यीशु मसीह आ जाएगा, उसी घड़ी परमेश्वर के तम में आ जाऊंगा। जिस दिन, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे, यीशु मसीह ने कहा है। तुम ना उस दिन या उस घड़ी के विषय में नहीं जानते हो। वह घड़ी दोपहर की भी और शाम की भी और रात की भी हो सकती है। इसलिए तैयार हो, पाप मत करो। पहला तिस्लुनीकियों 4:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और हम इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जब परमेश्वर अपने दूतों के साथ आएगा रैप्चर में, तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तुम जाओ, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है उनको बदल कर ले आओ। या तुरही के फूकने के पश्चात यह सब होगा, यह सब अचानक क्षण भर में पलक मारते ही होगा। अचानक करोड़ों लोग इस धरती पर से अचानक गायब हो जाएंगे। हर घर में रोना बिलखना चिल्लाना होगा, क्योंकि उस समय किसी घर में किसी की माँ बहन, बेटी भाई, माँ बाप, अचानक सब गायब हो जाएंगे। इसलिए समय है अपना मन फिरा लो, वरना परमेश्वर कहता है मैं तेरे पास आकर तुझे जीवन को संस्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर कहता है मेरे बेटे बेटियाँ अपने पापों को, गुनाहों को मेरे सामने मान ले, रख दे। परमेश्वर कहता है तेरे पाप चाहे जैसे भी गंदे नंगे पाप, परमेश्वर कहता है तू मेरी आज्ञाओं को मान, अपने अपराधों को, गुनाहों को मेरे सामने रख, मैं उनको हिमकिनाई स्वच्छ कर दूंगा, उजला कर दूंगा। परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञाओं को मान। परमेश्वर कहता है मेरा बेटा, मेरी बेटियाँ, मैं तुझे फिर से जिलाऊंगा, परमेश्वर कहता है। बस हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, ऐसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए भी समय है, वरना आपको बाद में पश्चाताप करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। वहाँ सिर्फ न्याय किया जाएगा और उसको उसी न्याय के आधार पर उसको परमेश्वर नरक में डालेगा। स्वर्गदूत खींच तान कर उसको नरक में फेंक देंगे, और एक बार उस नरक में चले गए तो हमेशा के लिए गए, तब आपको मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपके पास एक किरण है, आस है, अभी आप जिंदा हो, अभी जीवन है आपके अंदर। परमेश्वर ने आपको अवसर दिया, परमेश्वर ने वचन में भी कहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। समय कम है मेरे प्रियो, समय कम है। इसलिए जो समय मिला है, इस समय का पूरा पूरा उपयोग करो, इस समय का पूरा इस्तेमाल करो। परमेश्वर का अपना समय दीजिए, प्रार्थना में बिताइए। आपने चाहे जैसे भी गंदे पाप किए हों, चाहे जितना भी घिनौना गंदा नंगा पाप हो, परमेश्वर कहता है मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरी आज्ञाओं को मान, चाहे जितना भी गंदा पाप हो, बस तू मेरी आज्ञाओं को मान और उन्हें छोड़ दे, उन गंदे पापों को। परमेश्वर कहता है मैं तेरे गुनाहों को हिमकिनाई स्वच्छ कर दूंगा, उजला कर दूंगा, बस तू मेरी आज्ञाओं को मान। परमेश्वर कहता है परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को, गुनाहों को माफ़ कर देगा। परमेश्वर की हमें आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए मेरे प्रियो। अभी समय है, आंसू बहा लो, पश्चाताप कर लो, वरना यही मस्ती आपको एक दिन नरक में लेकर जाएगी। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नरक नहीं बनाया था, परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं रचा था जो पाप से भरा हो। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा ही अच्छा बनाया था, मगर आज मनुष्य पाप कर रहा है तो परमेश्वर उसमें क्या करे मेरे प्रियो। शैतान का न्याय परमेश्वर ने पहले ही से कर दिया था, वो तो उस नरक में जाएगा ही, और साथ में तुमको भी ले जाएगा, क्योंकि वो अकेला उसमें जाना नहीं चाहता है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? छोड़ दो ये गंदी लते, लौट आओ यीशु के पास। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे पाप हैं, गंदे पाप हैं,
आइए आइए परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए और सिर छाड़ इसी वक्त परमेश्वर से बोल दीजिए, हे मेरे पिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता मालिक, स्वर्ग स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपने गुनाहों को जानता हूँ, अपने गुनाहों को मानता हूँ। मैंने चाहे जितने भी गंदे पाप किए हों, मैंने अपनी तेरी दृष्टि में पाप किया है, मेरा पाप तेरी दृष्टि में हरदम बना रहता है। मैं अभी इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊँ। पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को माफ कर, क्षमा कर। परमेश्वर कहता है, मेरी आज्ञाओं को मान, अपने पापों को मेरे सामने वो बोल दे। और परमेश्वर कहता है, मैं तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, क्षमा कर देगा परमेश्वर, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को दिया गया है, सिर्फ यीशु मसीह को दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ यीशु मसीह को दिया गया है, किसी मनुष्य को नहीं दिया गया है, किसी मनुष्य को नहीं दिया गया है, सिर्फ यीशु मसीह को दिया गया है, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु को दिया गया है। एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह ही है, जो आपके गुनाहों को, जो आपके अपराधों को माफ कर सकता है, आपके पापों को माफ कर सकता है, ढांप सकता है, और स्वर्ग का जीवन और यीशु मसीह ही दे सकता है। क्योंकि शैतान इसलिए अन्य जातियों को छूट देता है, लोगों को छूट देता है। क्यों छूट देता है? क्योंकि वह सच्चे परमेश्वर के पास जाने ना पाए, सच्चे परमेश्वर के पास जाने ना पाए। शैतान ने इसलिए छूट देता है, इसलिए आजादी देता है, क्योंकि शैतान के वश में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ही है जो आपको स्वर्ग दे सकता है, अनंतकाल का जीवन दे सकता है। यीशु मसीह वह स्वर्ग की चाबी है, यीशु मसीह ही वह सीढ़ी है जो आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम स्वर्ग का जीवन प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मगर मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ मेरे प्रियो, देखिए इस बात को आप याद रखना। आप हर संडे चर्च जा रहे हो और बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो और अपना जीवन सांसारिक बिता रहे हो, गलत गलत चीजों में बिता रहे हो, पाप कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सब चीजों में बिता रहे हो, सेक्स वीडियो देख रहे हो, गलत गलत मुंह से बातें निकालते हो, तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते हो, इससे कोई लाभ नहीं। परमेश्वर कहता है, मेन पॉइंट आता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान। सबसे बड़ी यही सेवा है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मान, सबसे बड़ी यही सेवा है। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर कहता है, तू मेरे सामने आ, मेरे पास आ। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे फिर से बनाऊंगा, मैं तुझे फिर से जिलाऊंगा। परमेश्वर कहता है, मेरे बेटा मेरी बेटी आ, मेरे बेटा मेरी बेटी आ। परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है परमेश्वर आपसे, क्योंकि परमेश्वर ने हाथों में पैरों में कीले ठुकवाई है मेरे प्रियो, और उसके सिर पर कांटों का मुकुट गूंद कर रखा गया था, उसने हमारे और आपके लिए उसने उसके सिर पर थूका गया, उसके मुँह पर थूका गया, क्योंकि परमेश्वर ने लोगों से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपना कीमती रक्त बहाया, कीमती रक्त बहाया। आज भाई भाई का कत्ल कर देते हैं धनौलत के चक्कर में। जरा सोचो, आपके लिए कौन लोग आएगा, कौन कोड़े खाएगा, कौन मर खाएगा, जरा सोचा आपने मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का दिल थोड़ा मत करिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है। पाप करके उसे शोकित मत करो, पाप करके उसे शोकित मत करो मेरे प्रियो, मत करो। क्योंकि जब आप पाप करते हो तो परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर बसा हुआ है वो दुखी हो जाता है, परमेश्वर दुखी हो जाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आस लगाए बैठा है, मेरा बेटा अब सुधर जाएगा, मेरी बेटी अब सुधर जाएगी, मगर उसका बेटा सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। उसका बेटा वही गलत गलत काम, वही सेक्स वीडियो, वही गर्लफ्रेंड, वही बॉयफ्रेंड बनाता है, रखता है। उसको जरा भी शर्म नहीं आती है, उसको जरा भी शर्म नहीं आ रही कि परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा, परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा। आज मन से थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा शारीरिक मजा लेने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा, परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा। अब इस समय छोड़ दो मेरे प्रियो, ये मजाक मस्ती का वक्त नहीं है, ये मजाक नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो होगा और जो होने वाला है वही आपको बताया जा रहा है। बाइबल गवाह है, व्यवस्था गवाह है, परमेश्वर ने दिया है अपने चेलों के द्वारा, परमेश्वर ने दिया है दर्शन के द्वारा, परमेश्वर ने जो बताया है अपने वचन में, परमेश्वर ने कहा है। इसलिए अभी समय है, आंसू बहा लो, पश्चाताप कर लो, गिड़गिड़ा लो परमेश्वर के सामने, गिड़गिड़ा लो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। अगर आपको मेरी बातों को बुरा लगा हुआ होगा तो दिल से मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। सच कड़वा होता है मेरे प्रियो, मगर सच यही है कि परमेश्वर का काम है, करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे लेखा लेगा, हर एक बात का लेखा लेगा। ओके भैया, बताना और समझाना मेरा काम है, परमेश्वर ने मुझे काम दिया है। आशा करते हैं इस वीडियो को अपने मसीह बहनों के पास दबा के शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से कितनी लाखों आत्माएं बच सकती हैं। कृपया इस वीडियो को अपने मसीह बहनों के पास व्हाट्सएप पर ये जो भी चलाते हैं उस पर शेयर कर दें। ओके, आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर सबसे को बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।